नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एंकर जैस्मिन रियाज और आज डांस एक्सप्रेस प्लस की टीम पहुंची है डीएवी लुधियाना पखवाल रोड सराबा नगर एक्सटेंशन, जहां पर हो रहे हैं डांस एक्सप्रेस प्लस के ऑडिशन। नृत्य सबसे उम्दा कला कहा जाता है कि पुरातन काल से ही इस नृत्य का डंका हर जगह पर। चलकर हम देखते हैं कि कितना उत्साह है बच्चों में शो करने के।
और इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया तो कर दो यार।
बहुत सारा टैलेंट सीखा और इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे, लेकिन कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता। कंटेस्टेंट्स बहुत सारे आते हैं और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो बहुत उम्दा निखर के आते हैं और वही सिलेक्ट होते हैं। सो, हमारे पास आज दो कंटेस्टेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे जानना है कि उनको कैसा फील हो रहा है। आइए उनसे बात करवाते हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा कि हम सिलेक्ट हो गए, और सबसे पहले तो था कि चलो पार्टिसिपेंट्स बन के ऐसा खुश हो रहे थे कि डांस एक्सप्रेस प्लस, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कैसा हो गया। पर नाउ वी आर सिलेक्टेड, सो अब लग रहा है हाँ वी कैन डू इट। आपका कैसा फीलिंग है, एक्साइटमेंट कितना है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब मैंने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं सिलेक्ट भी होंगी। ये एक बहुत अच्छा वे था, मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ऑडिशन। ये देखिए, मेहनत तो ये लगातार करती रहती है, उससे है कि जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, जो एक्सपोजर मिलता है। इतना बड़ा कॉम्पिटिशन था, पूरा दिन बच्चे लगे रहे डिफरेंट क्लासेस के, वो बढ़िया प्लेटफॉर्म था, बच्चों को सीखने को मिला इससे। बाकी है कि ये तो मेहनत कर ही रही है और आगे भी अब करेगी फ्यूचर में। थैंक यू। एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड फील होता है वो। तो टीवी पे देखने का कितना एक्साइटमेंट है? आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्चुअली वी ऑल फैमिली मेम्बर्स आर एक्साइटेड कि हमारा बच्चा टीवी पे आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत प्राउड फील होगा, हमें बहुत खुशी फील होगी और हम वेट कर रहे हैं उस टाइम के लिए कि हमारा बच्चा टीवी पर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, मैं जे सीमा शर्मा, मैं यहाँ पे एकेडमिक सुपरवाइज़र हूँ और साथ में मेडिकल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और बच्चे बहुत उत्साहित थे जब उन्हें पता चला कि वो एक टीवी प्रोग्राम के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, एंड एक्साइटमेंट वाज ऑन अनदर लेवल। और वो वाकई ही इतने अच्छा प्रिपेयर करके आए, और हमें मतलब खुद यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चे इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सुंदर परफॉर्मेंसेज देकर गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, और जैसे आप लोगों ने गाइड किया बच्चों को, दैट वाज मार्वेलस। वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग कंसिडरेट थे और आप लोगों ने हमारे सभी बच्चों को मौका दिया। जो कुछ लास्ट मोमेंट एंट्रीज थी उनको भी आपने कंसिडर किया, वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। अब उनसे बात करते हैं जिन्होंने सारा मैनेजमेंट देखा, हमारा इतना हेल्प किया। नाम है उनका तेजिंदर कौर और यहाँ पर है वो एकेडमिक सुपरवाइजर डीएवी स्कूल लुधियाना। आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू टू एवरीबॉडी, द ऑर्गेनाइजर्स, मैडम आरती एंड ऑल वर्किंग बिहाइंड द सीन, कैमरामैन एंड ऑन द लाइक स्पेशली फॉर द डायरेक्टर एंड फॉर द म्यूजिक पार्ट, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। थैंक यू सो मच।